अब बारी है उनको सुनने की जिनके कारण हम सब यहाँ मौजूद हैं। श्री अभिषेक कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जनरल बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन। He has 17 years of experience in setting up successful enterprises. He is an IVLP fellow of US Department of State. He drafted startup policy for government of Bihar and implementation plan for rupees 500 crores. He works for fundraising for the startup specially in impact sector. Mentored to 2,000 plus revenue making entrepreneurs. Please put your hands together to invite Mr. Abhishek Kumar, Secretary General, for his valuable inputs. Respected Chief Guest Sri Shashank Priya Sir, respected Vice Chancellor, Bihar Anvil Science University Bihar, Dr. Rameshwar Singh Sir, and our another special guest, Vice Chancellor, Bihar Agriculture University Board would be joining in few minutes. BEA President Pankaj Singh Ji, my very good friend and investor who is coming from New York for this function, Harjit Singh Ji, all the distinguished speakers, all the delegates, participants, people who are listening and seeing this 11th Bihar Entrepreneurship Summit online, Facebook, YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सारे वो लोग, BEA के members, मीडिया के लोग और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग, आप लोग सबका 11वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन में स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं कि 21 मार्च को ही 2014 में, 11 साल पहले, इस सम्मेलन की शुरुआत हुई क्यों, क्या जरूरत था इस सम्मेलन का। जैसे कि हमारे कलीग ने भी बताया कि हम लोगों ने शुरुआत की थी बिहार के हर जिले में बिहार स्टार्टअप यात्रा वर्कशॉप को लेकर के, कि तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी सिर्फ पटना में ना रहे, मेट्रो या मेजर शहरों में ना रहे, वो बिहार के अलग अलग जिले में जाए। मुझे याद है 2013 में जब हम लोग पहला स्टार्टअप यात्रा पटना साइंस कॉलेज से शुरू किए थे, 14 में जब 13 में 5-6 यात्रा करने के बाद, स्टार्टअप यात्रा मतलब स्टार्टअप यात्रा के वर्कशॉप अलग अलग जिलों में, वहां के कॉलेजों में, वहां के टाउन हॉल में, जहां भी जगह मिल गया फ्री में, वहां पे एक टीम जाती थी, कोऑर्डिनेट करती थी, रिक्शे पे हम लोग प्रचार करवाते थे कि बिजनेसमैन बनना है, उद्यमी बनना है तो जरूर आइए, क्या क्या जानकारी मिलेगी, क्या फायदा होगा। 2014 में सम्मेलन का इसलिए शुरुआत हुआ कि जब अलग अलग जिले में हम लोग स्टार्टअप यात्रा करते थे तो एक मंच पे साल में एक बार सबको लाया जाए, सबको मतलब वैसे सफल उद्यमी हो अलग अलग जिले में जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, वैसे उद्यमी जो बनना चाहते हैं। 11 साल पहले स्टार्टअप शब्द नया था पूरे देश में, फिर भी जो इनोवेटर्स लोग थे अलग अलग जिले में उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अगला अलग बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को लाया जाए और एक पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, जो जिला स्तरीय उद्यमिता का माहौल, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई। बहुत हर्ष के साथ कहता हूं भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया यात्रा 2017 में इसी चीज पे शुरू हुई और जिले स्तर पे गया। बिहार उद्यमिता सम्मेलन दूसरी बार 2015 में हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसमें स्टार्टअप कमेटी का गठन हुआ, उसमें हम लोग ने स्टार्टअप नीति बनाने का काम किया। स्टार्टअप नीति बनाने से आठ राज्यों का हम लोगों ने दौरा किया और उसके बाद ड्राफ्ट पॉलिसी विभाग को दिया। 2016 में इसी सम्मेलन में 500 करोड़ का मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि स्टार्टअप फंड होगा, जो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
स्टार्टअप बिहार ये सब सुनते हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी फंक्शन में स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया। उस साल हम लोगों ने बिहार में पहला, मैं कह सकता हूं कि बिहार, झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में पहला स्टार्टअप एक्सपो 21 मार्च 2017 को लगाया गया और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। दो दिन के उस सम्मेलन में आप अभी देश में जितने भी अच्छे अच्छे आईआईटी मुंबई के फ्लाइन इंक्यूबेशन सेंटर के हेड, आई अहमदाबाद के सीआईआई के हेड, ये सारे लोग उसमें स्पीकर्स थे और उस दो दिनों के फंक्शन को वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कवर किया था। 2018 में माननीय राज्यपाल महोदय आए, हम लोगों ने उस समय बिहार की जो सोच को बाहर ले आने का काम किया। 2019 में 31 देश के लोग इस फंक्शन में सम्मिलित हुए, तीन राजदूत सम्मिलित हुए और इसको एक ग्लोबल फंक्शन बनाने का काम किया गया। बिहार की बहुत ब्रांडिंग हुई, अपने खर्चे पे 31 देश के लोग आए थे। 2020 में कोविड में भी हम लोग नहीं रुके, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री लोग आए, एक्सएलआरआई, आई अहमदाबाद, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के, जैसा आप लोगों ने सुना हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर्स को, उन लोगों ने एड्रेस किया। वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने समिट को किया और 2021 में भी हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से एक छोटे से गैदरिंग में हम लोगों ने अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल से इस सम्मेलन को संबोधित किया। जब कोविड हटा, हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और 2022 में हम लोगों ने जिला उद्यमी सम्मान का शुरुआत किया। उसमें हम लोगों ने कृषि को स्पेशल फोकस दिया कि बिहार में कृषि, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज का जो स्कोप है वो 10-12 साल में हम लोग देख लिए और इसलिए हम लोगों ने एग्रीप्रेन्योरशिप पे फोकस करके 2022 का सम्मेलन किया और उसमें कृषि उद्यमी सम्मेलन की शुरुआत भी हुई। हम लोगों ने एक नारा लगाया जो 2013 में था, उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार। हमारा राज्य जो जाना जाता है बिहार के बाहर कि ये गवर्नमेंट जॉब डिपेंडेंट स्टेट है, उसका तमका हटाने के लिए 2013 में हम लोग उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार का नारा दिया था। 2022 में हम लोगों ने कृषि संवाद का नारा दिया कि हर जिले से अगर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अगर वो एग्रीप्रेन्योर बन जाए, अगर उनको बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस प्लान गवर्नमेंट के स्कीम से जोड़ के हर जिले में 8-10 एग्रीप्रेन्योर कृषि उद्यमी बना दिए जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम और बढ़ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सम्मेलन में कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश की गई और ये सम्मेलन ऐसा नहीं है कि 21 मार्च को 4 बजे सम्मेलन खत्म होगा, हम लोग फोटो खिंचवाएंगे चले जाएंगे। 22 मार्च को ऑफिस फिर से 10 बजे खुलेगा और फिर से 20 मार्च तक 6:30 बजे 2025 तक ऑफिस चलता रहेगा और फिर अगले साल 21 मार्च को हम लोग 12वां उद्यमिता सम्मेलन करेंगे। बहुत लोगों, आप लोग के विशेष के कारण जो यहां पे सर हमारे यहां 10वें के लोग हैं, 11th के लोग हैं जिनको पेटेंट मिला हुआ है। प्रोडक्ट कमर्शियलाइज करना है, मार्केट में बेचने लायक बनाना है, स्केल अप करना है, ये सब बुनियादी प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम लोग बिना ऑफिस के 2011 से काम करना शुरू किए। जनवरी 2013 से मैं फुल टाइम इसमें लगा। 2022 में सर हम लोग इसी फंक्शन में हमने बोला कि जिस संगठन का ऑफिस नहीं था, बिना ऑफिस के शुरुआत हुई, उसकी अपनी बिल्डिंग हो जाएगी। और हम लोगों ने 2022 21 मार्च को कहा था कि हमारा उस बिल्डिंग का नाम उद्यमी भवन होगा, उद्यमियों का भवन होगा, उद्यमी लोग का अपना बिल्डिंग होगा, 12 बजे रात को भी चाहे तो वहां जाके वहां डिजिटल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये सर फाइनली हम लोगों का आप लोग के आशीर्वाद से, विशेष से ये सच हुआ और हम लोगों ने उद्यमी भवन में हमारा बन के, जिसमें जनवरी में 21 जनवरी को हमने पहला फाउंडर्स मीट किया, 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग जिले से आए और हम लोग हर महीने वहाँ फंक्शन भी शुरू करना कर दिए हैं, शुरू वहाँ पे और शुरुआत हर महीने अलग अलग चीज़ों की भी हो रही है। ये सब आप लोग के आशीर्वाद से हुआ। तो वैसा संगठन जो युवाओं के द्वारा शुरू किया गया हो, जिसका अपना ऑफिस नहीं था 10 साल पहले, वो अपना बिल्डिंग उद्यमी भवन बना दिया है और वो बिहार के सारे युवाओं के लिए है। वहां हर
जो हमारे युवा हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए फ्री एक्सेस है। खगौल रोड में उस बिल्डिंग का आपने फोटो भी देखा होगा कुछ वीडियो में। हम लोग का संगठन अभी हम लोग इस फंक्शन को सम्मेलन को करें या 2018 में जब अमेरिकी राजदूत आए थे उस इवेंट की बात करें, एक पैशन के थ्रू काम करते हैं, एक हक से काम करते हैं, एक जिम्मेवारी से काम करते हैं। आप लोग को बताते हुए बहुत हर्ष होगा कि हमारे बिहार जमी संघ में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय सिर्फ दो हैं, वो जो हमारे ऑफिस की सफाई वगैरह करते हैं और एक जो चाय पानी सिक्योरिटी देखते हैं। बाकी सारे के सारे जो लोग आपने नीचे रजिस्ट्रेशन से लेके वेलकम से लेके आपको मेल्स गए होंगे, आपको कॉल्स गए होंगे, आपको फॉलो अप कॉल्स गया होगा, व्हाट्सएप कैंपेन गया होगा, SMS गया होगा, यू वुड हैव रिसीव्ड नंबर ऑफ मेल्स इन द लास्ट 1 ईयर, चाहे वो फाउंडर्स मीट के हों, चाहे वो FPO कॉन्क्लेव के हों, चाहे आप मीडिया में कवरेजेस देखे होंगे, प्रेस रिलीज तक वॉलंटियर भेजते हैं। ये खूबसूरती है। जब कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने, मेंटर लोगों ने हम लोग के बताया था कि जब कम्युनिटी जाग जाएगी, जब हम लोग खुद जाग जाएंगे, जब हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा उद्यमी संघ है, हमारा उद्यमिता सम्मेलन है, हमें इसको करना जरूरी है, जस्ट लाइक हम दिवाली, दुर्गा पूजा, होली इन सब का बनाते हैं, तो कम्युनिटी जब करने लग जाएगी तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। माइंडसेट जब चेंज हो जाएगा तो सरकार की सारी योजनाएं हैं और सफल होने लगेंगी, पूरा बिजनेस का माहौल बन जाएगा उस बिहार में जहां पे 14 करोड़ का अपना पेट है, अपना मार्केट है, अपना कंजम्पशन का ताकत है। ये सोच से हम लोग काम करते आए हैं और हम लोग आगे के जो सेशंस हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कुछ कुछ जो स्टार्टअप्स जो सेलेक्ट हुए हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT उनके टाइप टू स्कीम में, और हमारा HDFC परिवर्तन स्कीम के अंतर्गत वो स्टार्टअप भी यहाँ मौजूद हैं, उनके चेक डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो बिहार चेंज मेकर अवार्ड, हर साल की तरह वैसे इनोवेटर स्टार्टअप्स को हम लोग अवार्ड देते हैं जो कि कुछ चेंज लाए हैं बिहार में। और जो सब उससे भी ज़्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने बोला, बिहार उद्यमिता सम्मान, बिहार उद्यमिता सम्मान हर जिले वर दिया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग रजिस्टर करते हैं, उनसे उनका ड्यू डिलीजेंस किया जाता है और इस आधार पे दिया जाता है कि उनका बिजनेस कुछ मैच्योर हुआ उस जिले में, 2-3-4 साल काम किए हो, कुछ लोगों को जॉब दिया हो, कुछ अच्छा अपने जिले में एक अच्छा इम्पैक्ट डाला हो। तो ये 3 अवार्ड आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद का सेशन हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं, हम लोग उनसे बहुत सारे चीज़ जानेंगे जो कि एक इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, US के इन्वेस्टर्स क्या इंडिया में देखना चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स का सेशन इस बार हम लोगों ने पहले रखा है कि भाई विमेन फर्स्ट, एक हम लोगों का लास्ट ईयर जब विमेन लोगों ने सारे पूरा का पूरा समिट विमेन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें नीति आयोग की चीफ सीनियर एडवाइज़र अन्ना रॉय मैम भी थी, तो वो भी बहुत अप्रिशिएट की। और लास्ट सेशन हम लोगों का बिजनेस में एग्री टेक, हेल्थ टेक, एजुटेक और लॉजिस्टिक सेक्टर पर फोकस रहेगा। तो फिर से आप लोग सबका स्वागत है इस बहुत महत्वपूर्ण और एक साल के हमारे सबसे बड़े आयोजन में और सबसे बड़े बिहार के आयोजन में और उद्यमी बिहार बनाने के इस आयोजन में, और हम मुझे आशा है कि आप लोग सब इसको अंतिम तक एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट श्री शशांक प्रिया सर, रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर बिहार एनुअल साइंस यूनिवर्सिटी बिहार डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर, एंड आर अनदर स्पेशल गेस्ट वाइस चांसलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सो बोर्ड वुड बी ज्वाइनिंग इन फ्यू मिनट्स।
बीए प्रेसिडेंट पंकज सिंह जी, माय वेरी गुड फ्रेंड एंड इन्वेस्टर हु इज कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर दिस फंक्शन, हरजीत सिंह जी, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, ऑल द डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स, पीपल हु आर लिसनिंग एंड सीइंग दिस 11th बिहार एंटरप्रेन्योरशिप समिट ऑनलाइन, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सारे वो लोग, बीए के मेंबर्स, मीडिया के लोग और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग, आप लोग सबका 11वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन में स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं कि 21 मार्च को ही 2014 में 11 साल पहले इस सम्मेलन की शुरुआत हुई क्यों, क्या जरूरत था इस सम्मेलन का। जैसे कि हमारे कलीग ने भी बताया कि हम लोगों ने शुरुआत की थी बिहार के हर जिले में बिहार स्टार्टअप यात्रा वर्कशॉप को लेकर के, कि तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी सिर्फ पटना में ना रहे, मेट्रो या मेजर शहरों में ना रहे, वो बिहार के अलग अलग जिले में जाए। मुझे याद है 2013 में जब हम लोग पहला स्टार्टअप यात्रा पटना साइंस कॉलेज से शुरू किए थे, 14 में जब 13 में 5-6 यात्रा करने के बाद स्टार्टअप यात्रा मतलब स्टार्टअप यात्रा के वर्कशॉप अलग अलग जिलों में, वहाँ के कॉलेजों में, वहाँ के टाउन हॉल में, जहाँ भी जगह मिल गया फ्री में, वहाँ पे एक टीम जाती थी, कोऑर्डिनेट करती थी, रिक्शे पे हम लोग प्रचार करवाते थे कि बिजनेसमैन बनना है, उद्यमी बनना है तो जरूर आइए, क्या क्या जानकारी मिलेगी, क्या फायदा होगा। 2014 में सम्मेलन का इसलिए शुरुआत हुआ कि जब अलग अलग जिले में हम लोग स्टार्टअप यात्रा करते थे तो एक मंच पे साल में एक बार सबको लाया जाए, सबको मतलब वैसे सफल उद्यमी हो अलग अलग जिले में जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, वैसे उद्यमी जो बनना चाहते हैं। 11 साल पहले स्टार्टअप शब्द नया था पूरे देश में, फिर भी जो इनोवेटर्स लोग थे अलग अलग जिले में उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अगला अलग बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को लाया जाए और एक पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, जो जिला स्तरीय उद्यमिता का माहौल, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई। बहुत हर्ष के साथ कहता हूँ भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया यात्रा 2017 में इसी चीज पे शुरू हुई और जिले स्तर पे गया। बिहार उद्यमिता सम्मेलन दूसरी बार 2015 में हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसमें स्टार्टअप कमेटी का गठन हुआ, उसमें हम लोग ने स्टार्टअप नीति बनाने का काम किया। स्टार्टअप नीति बनाने से आठ राज्यों का हम लोग ने दौरा किया और उसके बाद ड्राफ्ट पॉलिसी विभाग को दिया। 2016 में इसी सम्मेलन में 500 करोड़ का मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि स्टार्टअप फंड होगा, जो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्टअप बिहार ये सब सुनते हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी फंक्शन में स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया। उस साल हम लोगों ने बिहार में पहला, मैं कह सकता हूं कि बिहार, झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में पहला स्टार्टअप एक्सपो 21 मार्च 2017 को लगाया गया और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। दो दिन के उस सम्मेलन में आप अभी देश में जितने भी अच्छे अच्छे आईआईटी मुंबई के फ्लाइन इंक्यूबेशन सेंटर के हेड, आईआईएम अहमदाबाद के सीआईआई के हेड, ये सारे लोग उसमें स्पीकर्स थे और उस दो दिनों के फंक्शन को वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कवर किया था। 2018 में माननीय राज्यपाल महोदय आए, हम लोगों ने उस समय बिहार की जो सोच को बाहर ले आने का काम किया। 2019 में 31 देश के लोग इस फंक्शन में सम्मिलित हुए, तीन राजदूत सम्मिलित हुए और इसको एक ग्लोबल फंक्शन बनाने का काम किया गया। बिहार की बहुत ब्रांडिंग हुई, अपने खर्चे पे 31 देश के लोग आए थे।
2020 में कोविड में भी हम लोग नहीं रुके, उद्योग मंत्री कृषि मंत्री लोग आए, XLRI आई एम अहमदाबाद हार्वर्ड कैम्ब्रिज के जैसा आप लोगों ने सुना हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर्स को, उन लोगों ने एड्रेस किया, वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने समिट को किया। और 2021 में भी हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से एक छोटे से गैदरिंग में हम लोगों ने अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल से इस सम्मेलन को संबोधित किया। जब कोविड हटा हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और 2022 में हम लोगों ने जिला उद्यमी सम्मान का शुरुआत किया। उसमें हम लोगों ने कृषि को स्पेशल फोकस दिया कि बिहार में कृषि एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज का जो स्कोप है वो 10-12 साल में हम लोग देख लिए, और इसलिए हम लोगों ने एग्रीप्रेन्योरशिप पे फोकस करके 2022 का सम्मेलन किया और उसमें कृषि उद्यमी सम्मेलन की शुरुआत भी हुई। हम लोगों ने एक नारा लगाया जो 2013 में था, उद्यमी बिहार समृद्ध बिहार। हमारा राज्य जो जाना जाता है बिहार के बाहर कि ये गवर्नमेंट जॉब डिपेंडेंट स्टेट है, उसका तमका हटाने के लिए 2013 में हम लोग उद्यमी बिहार समृद्ध बिहार का नारा दिया था। 2022 में हम लोगों ने कृषि संवाद का नारा दिया कि हर जिले से अगर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं अगर वो एग्रीप्रेन्योर बन जाए, अगर उनको बिजनेस मॉडलिंग बिजनेस प्लान गवर्नमेंट के स्कीम से जोड़ के हर जिले में 8-10 एग्रीप्रेन्योर कृषि उद्यमी बना दिए जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम और बढ़ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सम्मेलन में कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश की गई, और ये सम्मेलन ऐसा नहीं है कि 21 मार्च को 4 बजे सम्मेलन खत्म होगा, हम लोग फोटो खिंचवाएंगे चले जाएंगे। 22 मार्च को ऑफिस फिर से 10 बजे खुलेगा और फिर से 20 मार्च तक 6:30 बजे 2025 तक ऑफिस चलता रहेगा, और फिर अगले साल 21 मार्च को हम लोग 12वां उद्यमिता सम्मेलन करेंगे। बहुत लोगों आप लोग के विशेष के कारण जो यहां पे सर हमारे यहां 10वें के लोग हैं, 11th के लोग हैं जिनको पेटेंट मिला हुआ है। प्रोडक्ट कमर्शियलाइज करना है, मार्केट में बेचने लायक बनाना है, स्केल अप करना है, ये सब बुनियादी प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम लोग बिना ऑफिस के 2011 से काम करना शुरू किए। जनवरी 2013 से मैं फुल टाइम इसमें लगा। 2022 में सर हम लोग इसी फंक्शन में हमने बोला कि जिस संगठन का ऑफिस नहीं था, बिना ऑफिस के शुरुआत हुई, उसकी अपनी बिल्डिंग हो जाएगी। और हम लोगों ने 2022-21 मार्च को कहा था कि हमारा उस बिल्डिंग का नाम उद्यमी भवन होगा, उद्यमियों का भवन होगा, उद्यमी लोग का अपना बिल्डिंग होगा, 12 बजे रात को भी चाहे तो वहां जाके वहां डिजिटल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये सर फाइनली हम लोगों का आप लोग के आशीर्वाद से विशेष से ये सच हुआ, और हम लोगों ने उद्यमी भवन में हमारा बन के जिसमें जनवरी में 21 जनवरी को हमने पहला फाउंडर्स मीट किया, 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग जिले से आए, और हम लोग हर महीने वहाँ फंक्शन भी शुरू करना कर दिए हैं शुरू वहाँ पे, और शुरुआत हर महीने अलग अलग चीज़ों की भी हो रही है। ये सब आप लोग के आशीर्वाद से हुआ। तो वैसा संगठन जो युवाओं के द्वारा शुरू किया गया हो, जिसका अपना ऑफिस नहीं था 10 साल पहले, वो अपना बिल्डिंग उद्यमी भवन बना दिया है, और वो बिहार के सारे युवाओं के लिए है। वहाँ हर जो हमारे युवा है जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए फ्री एक्सेस है। खगौल रोड में उस बिल्डिंग का आपने फोटो भी देखा होगा कुछ वीडियो में। हम लोग का संगठन अभी हम लोग इस फंक्शन को सम्मेलन को करें या 2018 में जब अमेरिकी राजदूत आए थे उस इवेंट की बात करें, एक पैशन के थ्रू काम करते हैं, एक हक से काम करते हैं, एक जिम्मेवारी से काम करते हैं। आप लोग को बताते हुए बहुत हर्ष होगा कि हमारे बिहार उद्यमी संघ में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय सिर्फ 2 हैं, वो जो हमारे ऑफिस की सफाई वगैरह करते हैं और एक जो चाय पानी सिक्योरिटी देखते हैं। बाकी सारे के सारे जो लोग आपने नीचे रजिस्ट्रेशन से लेके वेलकम से लेके आपको मेल्स गए होंगे, आपको कॉल्स गए होंगे, आपको फॉलो अप कॉल्स गया होगा, व्हाट्सएप कैंपेन गया होगा, SMS गया होगा, यू वुड हैव रिसीव्ड नंबर ऑफ मेल्स इन द लास्ट 1 ईयर, चाहे वो फाउंडर्स मीट के हों, चाहे वो FPO कॉन्क्लेव के हों, चाहे आप मीडिया में कवरेजेस देखे होंगे, प्रेस रिलीज तक वॉलंटियर भेजते हैं।
ये खूबसूरती है। जब कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने, मेंटर लोगों ने हम लोग के बताया था कि जब कम्युनिटी जाग जाएगी, जब हम लोग खुद जाग जाएंगे, जब हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा उद्यमी संघ है, हमारा उद्यमिता सम्मेलन है, हमें इसको करना जरूरी है, जस्ट लाइक हम दिवाली, दुर्गा पूजा, होली इन सब का बनाते हैं, तो कम्युनिटी जब करने लग जाएगी तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। माइंडसेट जब चेंज हो जाएगा तो सरकार की सारी योजनाएं हैं और सफल होने लगेंगी, पूरा बिजनेस का माहौल बन जाएगा उस बिहार में जहां पे 14 करोड़ का अपना पेट है, अपना मार्केट है, अपना कंजम्पशन का ताकत है। ये सोच से हम लोग काम करते आए हैं और हम लोग आगे के जो सेशंस हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कुछ कुछ जो स्टार्टअप्स जो सेलेक्ट हुए हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उनके टाइप टू स्कीम में, और हमारा एचडीएफसी परिवर्तन स्कीम के अंतर्गत वो स्टार्टअप भी यहाँ मौजूद हैं, उनके चेक डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो बिहार चेंज मेकर अवार्ड, हर साल की तरह वैसे इनोवेटर स्टार्टअप्स को हम लोग अवार्ड देते हैं जो कि कुछ चेंज लाया है बिहार में। और जो सब उससे भी ज़्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने बोला, बिहार उद्यमिता सम्मान सम्मान, बिहार उद्यमिता सम्मान हर जिले वर दिया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग रजिस्टर करते हैं, उनसे उनका ड्यू डिलीजेंस किया जाता है और इस आधार पे दिया जाता है कि उनका बिजनेस कुछ मैच्योर हुआ उस जिले में, 2-3-4 साल काम किए हो, कुछ लोगों को जॉब दिया हो, कुछ अच्छा अपने जिले में एक अच्छा इम्पैक्ट डाला हो। तो ये 3 अवार्ड आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद का सेशन हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं, हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ जानेंगे जो कि एक इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, यूएस के इन्वेस्टर्स क्या इंडिया में देखना चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स का सेशन इस बार हम लोगों ने पहले रखा है कि भाई विमेन फर्स्ट, एक हम लोगों का लास्ट ईयर जब विमेन लोगों ने सारे पूरा का पूरा समिट विमेन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें नीति आयोग की चीफ सीनियर एडवाइज़र अन्ना रॉय मैम भी थी, तो वो भी बहुत अप्रिशिएट की। और लास्ट सेशन हम लोगों का बिजनेस में एग्री टेक, हेल्थ टेक, एजुटेक और लॉजिस्टिक सेक्टर पे फोकस रहेगा। तो फिर से आप लोग सबका स्वागत है इस बहुत महत्वपूर्ण और एक साल के हमारे सबसे बड़े आयोजन में और सबसे बड़े बिहार के आयोजन में और उद्यमी बिहार बनाने के इस आयोजन में, और हम मुझे आशा है कि आप लोग सब इसको अंतिम तक एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।